Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? आज हम चिकन सूप विद कोकोनट मिल्क बनाने वाले हैं। उसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है, उसको साफ करके अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मैंने कोकोनट 1 कप कोकोनट मिल्क लिया है, ये मैंने होममेड कोकोनट मिल्क यूज किया है। आप चाहते हैं कि ये कोकोनट मिल्क घर पर कैसे बनाया जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जरूर लेकर आऊंगी। यहाँ पर मैंने 5 छोटी इलायची ली है, यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्ची ली है, यहाँ पर 4 से 5 लौंग ली है, यहाँ पर 2 टुकड़े दालचीनी के लिए है, 2 टुकड़े तेज पत्ता के लिए है, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया है, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट लिया है। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ सौंफ लिया है, सौंफ को मैंने रात भर भिगो कर रखा था। यहाँ पर मैंने 8 से 10 कलिया लहसुन के लिए है, यहाँ पर मैंने 2 डंडी धनिया के लिए है, यहाँ पर मैंने 2 मिर्चियों को कट कर लिया है, यहाँ पर मैंने 1 छोटे साइज अनियन को कट करके लिया है। अब हम हल्दी, सौंफ और इन सारे मसालों को पीस कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई को रखेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने रखेंगे। अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे गर्म मसाले ऐड करेंगे और 2 सेकंड के लिए सौते करेंगे। अब हम इसमें अपना कट किया हुआ अनियन भी ऐड करेंगे और अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक का कुक करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे अनियन स्लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। देख सकते हैं कि हमारे चिकन को कुक किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये मलाई हुई पेस्ट को ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को और चिकन को अच्छे से पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना अच्छे से भून चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे और 15 मिनट तक का ढककर कुक होने देंगे, जिससे मसाला भी और अच्छे से कुक हो जाएगा और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे सूप को पकने रखे हुए, देख सकते हैं आप कि पानी भी काफी हद तक का पूरा गाढ़ा हो चुका है और माशाल्लाह हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, ये देखिए हमारा चिकन भी काफी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। सबसे पहले गैस के फ्लेम को लो करेंगे और दूध ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि जब हम दूध इसमें ऐड करेंगे तब हमें दूध को उबाल आने देना नहीं है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अल्लाह से देखिए हमारा सूप भी अब बनके तैयार हो चुका है। ध्यान रखें कि हमें इस अब दूध डालने के बाद में इसे उबालना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गुनगुना कर लेना है और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम इसको सर्विंग के प्रोसेस में चलते हैं। आप इस सूप को ऐसे भी पी सकते हैं या तो फिर पाव या रोटी की मदद रोटी से भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।